अस्पताल में वहाँ है, बहन की भी तबीयत अभी ठीक है, रिकवर कर रहे दोनों अच्छे से। कुढ़िनी में आप लोग महागठबंधन की हार हुई है, जेडीयू के कैंडिडेट हार गए हैं। हम अभी पहुँचे, अभी पता चला, अब तो फ्लाइट में थे। ये कम जो मार्जिन है, कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ निशा। सिंगापुर से अपने पिता लालू प्रसाद यादव का इलाज कराने के बाद वापस लौटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कुंडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर कि जनता की जो इच्छा थी, जनता ने जिसे जिताया उसे हमें स्वीकार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी कहां चूक हुई है उसे हम देखने का काम करेंगे, उस पर गहन मंथन किया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। ताल में वहां है, बहन की भी तबीयत अभी ठीक है, रिकवर कर रहे दोनों अच्छे से। कुढ़िनी में आप लोग महागठबंधन की हार हुई है, जेडीयू के कैंडिडेट हार गए हैं। हम अभी पहुंचे, अभी पता चला, अब तो फ्लाइट में थे थोड़ा काउंटिंग का, तो अभी पता चला कि कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से हारे। गोपालगंज वाला भी जो था वो काफ़ी कम मार्जिन था, 1700 का था। तो ये कम जो मार्जिन है, कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार का जो उपचुनाव है कि आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है। बिहार में जो उपचुनाव, हम सब बोलता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो जिनको अपना अब तो बोलने के लिए है, लेकिन उनको एक बात की तो चिंता करनी चाहिए ना कि भाई कुर्दी में बोले हैं लेकिन मोकामा में नहीं बोले, या गोपालगंज पे क्यों नहीं बोले, इतना कम मार्जिन था। तेजस्वी जी, एक छोटा सा सवाल है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो भी वोट है वो तेजस्वी का है, जेडीयू का कुछ नहीं है। अच्छा ठीक, कोई नहीं बोले। तो तेजस्वी यादव को सुना आपने कि उन्होंने कहा है कि कुंडे विधानसभा उपचुनाव में उनकी जो चूक हुई है उस पर वे गहन मंथन करने का काम करेंगे, देखेंगे कि कहां उनकी गलती थी, साथ ही साथ कहां पर वोटों की संख्या में कमी रह गई। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इससे पूर्व गोपालगंज में भी चुनाव हुए थे जहां पर काफी कम वोटों से बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि कुढ़नी में भी काफी महज 3000 का वोट का अंतराल है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, जिसे देखना होगा कि आखिर हम कहां पीछे छूट रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए आगामी चुनाव को लेकर किए गए आकलन पर उन्होंने कहा कि जीतने के बाद तो सब बोलते हैं कि हम ही जीतेंगे। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने पत्रकारों का किस सवाल का जवाब दिया। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।